A very good morning to you all students. Today we will start our chapter number 3. So let's start. The name of our chapter number 3 is the Northern Plain. Uttar ka Maidani Bhag. Our chapter number 3 is the Northern Plains. Uttar ka Maidani Bhag. Ek aisa bahut bada fertile land. Fertile land ka matlab upjau jameen. Fertile ka matlab hota hai upjau. तो बहुत बड़ी उपजाऊ जमीन को हम प्लेन या समतल मैदान कहते हैं। अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इज फ्लैट एंड फर्टाइल। उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा फ्लैट यानी समतल है तथा उपजाऊ है। दिस एरिया इज नोन एज द नॉर्दर्न प्लेन। और उत्तर भारत के इसी फर्टाइल लैंड को, इसी भाग को क्या कहा जाता है? नॉर्दर्न प्लेन, उत्तर का मैदानी भाग। ओके स्टूडेंट्स, ये पंजाब से लेकर के असम तक फैला हुआ है। नॉर्दर्न प्लेन कहाँ से कहाँ तक है? पंजाब से लेकर असम तक है, ठीक है। रिवर्स फ्रॉम हिमालय फ्लो थ्रू दीज रीजन्स। हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियाँ हैं वो सारी इन्हीं नॉर्दर्न प्लेन से होती हुई गुजरती हैं, ठीक है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि नदियाँ कहाँ से निकलती है? ग्लेशियर्स से। और ग्लेशियर्स कहाँ होते हैं? हिमालय पे। तो हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियाँ होती हैं वो इसी नॉर्दर्न प्लेन से होकर गुजरती हैं। दीज रिवर्स कैरी वाटर एंड सिल्ट्स। ये नदियाँ अपने साथ पानी तो बहा कर लाती हैं और उसके साथ साथ सिल्ट्स, सिल्ट्स का मतलब होता है मिट्टी या रेत। तो नदियाँ अपने साथ पानी तथा मिट्टी या रेत बहाकर ले आती हैं। हिमालय से आते हुए इन नदियों का बहाव बहुत तेज होता है, बट इन प्लेन्स रिवर्स फ्लो स्लोली। लेकिन जैसे ही ये नदियाँ प्लेन्स में या मैदानी भागों में पहुँचती हैं, इनका जो फ्लो होता है, इनका बहाव हो जाता है, वो धीमे हो जाता है। एंड डिपॉजिट द सिल्ट्स ऑन द बैंक। और ये अपने साथ जो मिट्टी या रेत बहा कर ले आती हैं वो धीरे धीरे इनके किनारों पर इकट्ठा होने लगता है। डिपॉजिट का मतलब होता है इकट्ठा होना एंड बैंक का मतलब होता है किनारा, ठीक है। तो नदियाँ अपने साथ जो मिट्टी या रेत बहा कर ले आती हैं वो इन नदियों के किनारे पर इकट्ठा होने लगता है। द डिपॉजिट ऑफ क्ले सिल्ट एंड ग्रेवल इज कॉल्ड एलुवियम। और एकत्र हुई इस मिट्टी को, सिल्ट को या ग्रेवल, ग्रेवल मीन्स छोटे कंकड़ पत्थर, क्ले मतलब चिकनी मिट्टी और सिल्ट का मतलब मिट्टी या रेत। तो इन सारी चीज़ों को, इनका जो डिपोजिशन नदी के किनारे होता रहता है, नदियों के किनारों पर, इसको हम एलुवियम कहते हैं, ठीक है। एलुवियम का मतलब होता है मिट्टी इत्यादि। सो स्टूडेंट्स, नदियों के किनारे ये जो मिट्टी, ग्रेवल या कंकड़ पत्थर या काली मिट्टी का जो डेपोजिशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम एलुवियम बोलते हैं। दिस एलुवियम इज वेरी आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। और इस एलुवियम को कृषि या खेती करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। द एरिया दैट गेट्स वाटर बाय द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड इट्स बेसिन। बच्चों, ऐसा कोई भी क्षेत्र जहाँ पर इन नदियों के द्वारा वाटर सप्लाई या पानी की आपूर्ति की जाती है उसे उसका बसिन या घाटी कहा जाता है, ठीक है। बसिन का मतलब होता है घाटी। ऐसी कोई भी जगह, ऐसा कोई भी क्षेत्र जहाँ इन नदियों के द्वारा या इनकी ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदियाँ, या इनकी सहायक नदियों के द्वारा पानी सप्लाई या पानी की आपूर्ति की जाती है उसे उसका बसिन या घाटी कहते हैं। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है स्मॉल रिवर्स दैट जॉइन द बिग। ऐसी छोटी नदियाँ जो किसी बड़ी नदी से निकलती है तथा आगे जाकर कहीं किसी बड़ी नदी में मिल जाती है उसे उसकी ट्रिब्यूटरी या सहायक नदियाँ कहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद अ पिक्चर। हेयर यू कैन सी मेनी स्मॉल रिवर्स जॉइन द बिग। दीज स्मॉल रिवर्स आर नोन एज ट्रिब्यूटरीज। एंड जिस नदी में वो जाकर मिल रही है, बड़ी नदी है, उसे क्या बोलते हैं? मेन रिवर बोलते हैं, ओके। ट्रिब्यूटरीज को हिंदी में बोलते हैं सहायक नदियाँ। सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर द मेन रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन विच मेक इट फर्टाइल।
नॉर्दर्न प्लेन्स को इतना उपजाऊ बनाने में सतलुज नदी, गंगा नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी का बहुत बड़ा योगदान है। ये ही उत्तर के मैदानी भाग को सबसे ज़्यादा क्या बनाती हैं, उपजाऊ बनाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर इज योर होमवर्क। यू ऑल हैव टू राइट आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस टू टाइम्स इन योर होमवर्क कॉपी। द क्वेश्चन नंबर वन इज व्हाट डू यू मीन बाय प्लेन्स। क्वेश्चन नंबर टू इज व्हाट इज एल्यूवियम। क्वेश्चन नंबर थ्री नेम द रिवर्स दैट मेक द नॉर्दर्न प्लेन्स फर्टाइल। एंड द क्वेश्चन नंबर फोर इज व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिब्यूटरीज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।